वेलकम बैक माय चैनल। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहा है सुबह का 6:30 और पीछे का नज़ारा देखिए, एकदम पूरा कश्मीर हो गया है। और अब प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। और आज है साल का आखिरी दिन 31 तारीख। तो 31 तारीख आप सभी को मुबारक हो। और हम आ गए हैं चाय पीने, इधर आग जल रही है। अम्मा अपना सब्जी उब्जी लेके आ गई हैं, आलू गोभी। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में और मिल रहे हैं थोड़ी देर में। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग हमको? तो हम अभी हैं अभी रूम में और हम आए थे ये सोच के यहाँ अपने मायके में कि चलो बहुत दिनों बाद मैं ठंडी इंजॉय करूँगी, क्योंकि बहुत पहले हम जब यहाँ रहते थे कंटिन्यू तभी ठंडी थी। तो जो जिस इन्वायरमेंट में रहता है ना, उस इन्वायरमेंट में वो सेटल हो जाता है, और जो नहीं रहता है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैं यहाँ से मेरे को गए हुए 5-6 साल हो गया, मतलब शादी के बाद से 5-6 साल हो गया। तो ठंड में बहुत कम ही रही हूँ यहाँ पे। 1 साल रही थी जब बाबू मेरा 6 महीने का था तो मैं आई थी, तो नया गई ही थी तो ठीक था। लेकिन मैं वहाँ से सोच के आई कि चलो 2-3 साल हो गया है, ठंडी को एंजॉय करेंगे, क्योंकि रायपुर में ठंड पड़ती ही नहीं है। स्वेटर पहनने के लिए मतलब अंदर से ख्वाहिश होती है कि मैं अभी स्वेटर पहनूं, ठंड पड़े वहाँ पे ठंडी नहीं पड़ती। हाफ स्वेटर तक की बहुत से बहुत पड़ेगी, 1-2 दिन तो हाफ स्वेटर पहन लो। मैं आई यहाँ पे ठंड एंजॉय करने और ये ठंड इतना सताने लगा है कि पूछो ही मत। बहुत ज़्यादा ठंड है, इस ठंड में ऐसा वाला हाल हुआ रखा है ना कि बस रजाई में घुसे रहो, रजाई के बाहर निकलो ही मत, कोई एक गिलास पानी तक ना मांगे। तो खाने के लिए तो चलना पड़ेगा ही आग के पास। आज 4 दिन हो गया है धूप निकले हुए यहाँ पे। मेरे यहाँ मैं जहाँ रहती हूँ नदी का किनारा है, मैं कभी वहाँ का भी आप लोगों को मतलब दर्शन कराऊँगी। सरयू नदी है, एकदम नदी के किनारे ही मेरा गांव है। ऊपर से चारों तरफ खेत खलिहान है। तो अभी हुआ है गेहूं की चारों तरफ बुआई हुई है और अभी सिंचनी का टाइम है, तो गेहूं में सिंचाई हो रही है चारों तरफ ही। तो जब सिंचाई होती है तो कहते हैं गाँव में कि मतलब वो जो भाप होता है वही कोहरे के रूप में मतलब पड़ता है। तो मतलब पूछो ही मत, इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है और ये आदत छूट गई है ठंड की, तो बहुत ठंड सता रही है। और स्वेटर पहनने की भी आदत छूट गई है, कैप पहनने की भी। बाबू तो पहन ही नहीं रहा है ना स्वेटर ना सॉक्स, कुछ भी नहीं पहन रहा। उसको डांट डूट के मैं बिस्तर के अंदर मोबाइल दे के मतलब उसको बिस्तर के अंदर करी हूँ। और मैं मतलब इतना ही पूछो मत कि क्या ही हाल है, मतलब एकदम शरीर को अकड़ने वाला, एकदम ये उंगली है ना जो एकदम कटने वाली है। तो आज हो गया 4th दिन धूप ना निकलने का, और उसमें बाबा की तबीयत बार बार ख़राब हो जा रही है। अभी भी ख़राब है, जब से तबीयत ख़राब है ना उसके बाद से, कल के बाद से ठीक नहीं है। ठीक क्या कहें, उठे ही नहीं है वो, मतलब एकदम बोल रहे हैं ना चल रहे हैं, उठे ही नहीं है। बूढ़े लोगों के लिए तो और ये ठंड बहुत तकलीफ देह है। बाबा उठ भी नहीं रहे हैं, उनको जबरदस्ती उठाने पे, थोड़ा सा टहलाने पे या धूप दिखाने के लिए, थोड़ा भी निकल रहा है धूप तो थोड़ा शरीर में लगेगा, तो एकदम आँख भी नहीं खोल रहे हैं बाबा। ऐसा वाला हाल उनका हुआ रखा है, पता नहीं क्या उनके अंदर तकलीफ है, क्या नहीं, बोल पा नहीं रहे हैं। तो ये ठंड का हाल है एकदम। बाबा को भी ना 5-6 ठो कपड़ा पहना के, नीचे पहना के मतलब 2-3 ठो इनर, 2-2 लोअर मतलब पहना के, उनको 2 कंबल और 1 रजाई, उनसे भार भी नहीं बर्दाश्त हो रहा है। मेन बात यह है, ओढ़ा भी दो तो मतलब कहरने लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है ओढ़ने वाला। लेकिन अब क्या ही करें, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, हम लोग किस तरह से उनको रखें कि ठंड भी ना लगे और हैवी भी ना हो। तो कंबल भी अगर ओढ़ाते हैं 3-4 तो भी हैवी हो जाता है। तो अभी ये वाला हाल हुआ रखा है बाबा का। तो अभी हम चल रहे हैं किचन में, और किचन में हम आज बनाने वाले हैं, सैटरडे भी है और सैटरडे को अक्सर खिचड़ी बनता है। तो अभी खिचड़ी के पहले खिचड़ी नहीं बनना चाहिए, मतलब जब खिचड़ी आने वाला रहता है ना उसके 15 दिन की 1 महीने पहले खिचड़ी नहीं बनता है घर में। तो हम जा रहे हैं आज साबूदाने की खिचड़ी बनाने। तो चलिए हमारे साथ में किचन में, आप भी देख लीजिए, बोलने की हिम्मत नहीं है यार। तो कहाँ, बनारस में एडमिट बना? तो वो तो बाहर रहते ना दुर्गेश,
अरे बाप रे, अरे बाप रे, सर एकदम फट गेल बा। तो ये हाल है मेरे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ जो पापा के साथ पढ़े हुए हैं उनके इस ठंड में इतना ज़्यादा मतलब एक्सीडेंट भी यहाँ पे होता है, कोहरा की वजह से दिखता भी नहीं है। बोल रहा है पापा की एक्सीडेंट हो गया, ये सर पूरा फट गया है। ठंड में कहीं आने जाने लायक भी नहीं है, इतना ज़्यादा हाथ, गाड़ी चलता नहीं है, हाथ एकदम कठोर हो जाता है, तो क्या ही करे आदमी। तो चलिए मैं तो ये जा रही हूँ बनाने। किसी की आत्मा को तकलीफ नहीं दिया जाए, बहुत एक हार्दिक कष्ट हो जाए। एक्सीडेंट उनके बेटे का हो गया और कह रहा है कि बचने का कोई उम्मीद नहीं है। हम ही लोगों के साथ हैं, पढ़े मतलब पढ़ाई उड़ाई किए, हमसे बड़े हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं। उनके छोटे वाले भाई मेरे साथ पढ़े, मतलब साथ ही के हैं, पढ़ाई साथ में नहीं किए हैं। और कहीं जा रहे थे उनके बेटे बड़े वाले और कोहरा बहुत सुबह में, कल भी आज 4 दिन से मैं बता रही हूँ, कोहरा बहुत ज़्यादा था। और पापा से अभी मैं सुनी हूँ कि उनका एक्सीडेंट बहुत भयानक हो गया, ये ऊपर का सर ही पूरा उड़ गया है, तो बनारस उनको एडमिट किया गया है। कुछ कहा क्या कहा जाए, भगवान जल्दी से ठीक कर दे। उनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे, अभी उम्र ही क्या है, अभी उम्र ज़्यादा नहीं है। तो अभी मैं साबुदाने की खिचड़ी में डालने के लिए यहाँ पर भून रही हूँ मूँगफली, इसको सूखा मूँगफली को भून देना है और भून के इसको हल्का कूट देना है। और यहाँ पे साबुदाना भी दिया है मैंने, इसको 5 मिनट के बाद इसको छान के मतलब निथार के इसका पानी और एक थाली में रख दूंगी कि तब तक फूलता रहेगा। तो हम जा रहे हैं साबुदाना की खिचड़ी बनाने। तो फाइनली ये 2-4 आलू है और ये फल में मैंने कूट लिया है मूंगफली, जो कि मूंगफली दाना मैंने भून रखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो पहले से ही कढ़ाई गरम थी, इसमें फ़ौरन के लिए मैंने 2 मिर्च काट के रखा था और जीरा मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे बॉयल आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है और इसको ऑयल में फाइनली डाल दिया है। इसको हल्का ब्राउन होने तक इसको भून। और यहाँ पे देखिए ये साबुदाना मैंने जो भींगा के रखा था उसको छन्नी में छान लिया था और ये भुरभुरा एकदम हो गया है, तो इसको आधा घंटा पहले ही छान के रख दिया था ताकि इसका सारा पानी अलग हो जाए। तो चलिए ये देखिए मेरा आलू हल्का हल्का फ्राई होना शुरू हो चुका है और इसमें रेडनेस आना शुरू हो चुका है। तो फाइनली ये देख सकते हैं मेरा आलू फ्राई हो चुका है। तो इसमें लास्ट में मैं डालने वाली हूँ साबुदाना, जो कि अच्छे से पहले से ही इसको इसका पानी सुखा रखा था। तो सारे को इसको आलू को और साबुदाने को मिक्स करके इसमें बस इसमें मैं डालने वाली हूँ नमक स्वाद अनुसार, हल्दी नहीं पड़ेगा, नमक स्वाद अनुसार और जो कुटी हुई मूंगफली है उसको मैं डाल दूंगी। और फिर उसके बाद से अच्छे से मीडियम आंच पे इसको पकाऊंगी। यहाँ पे लगा है मेरे को 5 मिनट, 5 मिनट में साबुदाने की खिचड़ी बनके रेडी हो गई है। लास्ट में मैंने इसमें हरी धनिया पत्ता डाला है। तो हमारे एक साबुदाने की खिचड़ी तैयार है, एकदम रेडी है और हम लोग जा रहे हैं अब खाने के लिए। तो बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में और लाइक कर दीजिएगा। नए नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें भी ना मत जाइएगा। तो चलिए ठंड का सीज़न है, बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है हमारे यहाँ, तो इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग बना लिए हैं खिचड़ी, क्योंकि फटाफट बनने वाला ये है रेसिपी। तो एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा साबुदाने की खिचड़ी और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं और अपना बेहद ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।